तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एडवांस एक्सेल विद वर्की प्रोफेशनल की कोर्स की तीसरी क्लास पे है, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फाइल की प्रॉपर्टीज एंड फाइल लोकेशन सिस्टम के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे आज। तो लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था हेल्प, और साथ में डिस्कस किया था मैंने आपके साथ एक्सेल की सेटिंग, शॉर्टकट्स, हैंडलिंग वगैरह। तो शुरुआत हम करते हैं आज के टॉपिक में मेनली दो चीजें हैं। पहली हम बात करेंगे एक्सेल की प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज की आपके माने किसी डेस्कटॉप हो या किसी भी लोकेशन हो, उस लोकेशन पे अगर आपने फाइल दिया हुआ है, अभी डेटा फाइल लिखा हुआ है राइट, तो इसके नाम से इतना तो पता चला इसके अंदर डेटा है, बट किसका डेटा है, क्या है, वो तो पता नहीं चला ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक मैं इस फाइल को ओपन ना करूं, क्योंकि नाम तो डेटा कॉमन है, डेटा समरी बुक वन ऐसे कॉमन नाम होते हैं ना, तो उस नाम में आखिर उसके अंदर डेटा क्या है, इसके बारे में जब तक हम उसको नहीं खोलेंगे पता नहीं चलेगा। तो कैसे करें, चलिए इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी मेंटेन अगर हम करते हैं, तो जैसे कि उस पर कर्सर जाते हैं, उस पर कर्सर रखा हमने, तो कर्सर रखते हैं आप देखिए क्या है, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑथर आईबी टेक्सस स्कूल, इससे पता चला कि हाँ इसको किसने बनाया, आईबी टेक्सस स्कूल ने बनाया, टाइटल सैंपल डेटा फॉर पिवट टेबल एग्जाम्पल, सब्जेक्ट इस पिवट टेबल डेटा। तो हमें पता चलेगा ना इससे कि हाँ पिवट टेबल की सैंपल डेटा है, हमें इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ी ना। अभी ज्वाइन किया आप, प्लीज अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें। तो उसी तरह से हम किसी भी फाइल के ऊपर से पावर बीआई दिख रहा है, तो मैं इसके डिटेल्स को मेंटेन कर सकता हूं। इस पर राइट क्लिक कीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, प्रॉपर्टीज में यहां आपके पास डिटेल्स दिखेगा, डिटेल्स में टाइटल डाल दें, इसमें डालता हूं कि पावर बीआई क्लास वन डेटा एंड ये डाल दिया। सब्जेक्ट कुछ डालना चाहते हो डाल दीजिए, टैग, अब टैग में ये चीज डाल लीजिए, टैग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। टैग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका कीवर्ड्स है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको मुझे सर्च करना है, तो कुछ लोग गूगल पे सर्च करते हैं एक्सेल कोर्स, कुछ लोग करते हैं एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग, कुछ लोग करते हैं एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर, एडवांस एक्सेल कोचिंग, एडवांस एक्सेल ट्यूटर, एक्सेल ट्यूटर, एक्सेल 2019 ट्यूटर। तो हर कोई उसको अलग अलग तरीके से सर्च करेगा ना। तो अगर कुछ दिन बाद आपको इसको सर्च करना है, तो जरूरी नहीं है कि इसका नाम आपको याद हो, तो इसको और किस किस नामों से, हो सकता है हम लोग कई एक रिपोर्ट को कई सारे नाम से जानते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया न्यू के नाम से, न्यू डेटा बी आई डेटा टीबी टैब्लू डेटा टीबीएल ये डाल दिया हमने। अब मैं इसको अप्लाई करता हूं, अब देखिए एक बार रिफ्रेश कर लीजिए अपने डेस्कटॉप को। अब मैं जैसे ही इस पे कर्सर लेके जाऊंगा, ये आपको दिख गया टाइटल, इससे पता चल गया इसके अंदर में क्या सेव है। दूसरी चीज अगर मैं सर्च करूंगा, अब जनरली यहां पे सर्च करते हैं ना, यहां पे अगर मान लीजिए मैंने सर्च किया न्यू, एंटर मारा, देखिए पावर बीआई पहले आया। क्यों पावर बीआई आया? क्योंकि इसके टैग में मैंने न्यू वर्ड डाला हुआ है, तो जिसका टैग पहले मैच करेगा वही आएगा। तो अगर कुछ ऐसे डेटा इंपॉर्टेंट है जिसको ढूंढने में आपको दिक्कत होती है, और 3 महीना 2 महीना 1 महीना बाद उसको ढूंढना पड़ जाता है, तो ऐसे डेटा को आप सर्च कर सकते हैं, राइट सर?
रमेश जी, योगेंद्र जी एंड गीतांजलि जी को। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब दूसरी आती है कि बात आती है कि अब हम एक्सरसाइज से थोड़ा हट के बात करते हैं। जब आप ऑफिस में होते हैं तो जहां तक मेरा अनुमान है कि हम 30 से 40% जो ऑफिशियल टाइम है वो हम वेस्ट करते हैं फाइल एंड फोल्डर को ढूंढने में। योगेंद्र जी, मेरे बात से आप एग्री है? तो एक फाइल लोकेशन सिस्टम क्यों नहीं तैयार किया जाए? एक जस्ट सजेशन है, मैंने किया था इसको। जैसे कि मैंने क्या किया, यहां पे डेट, फाइल नेम, फोर, ये फाइल किसके लिए बनाया गया है, टू किस पर्पस बना गया है, रिमार्क्स, और यहां पे पाथ। हम क्या करते हैं, जो भी हम फाइल बनाते थे उसकी डेटा एंट्री करते थे कि डेट, आज के डेट पे हमने फाइल बनाई और फाइल का नाम क्या है, समरी, किस पर्पस के लिए बनाई, किसकी पर्पस क्या बनाने का, तो हमने दे दिया मंथली रिपोर्ट, किसको भेजी गई है, तो भेजी गई है संदीप को, और कुछ रिमार्क्स वगैरह है तो डाल दीजिए। उसके बाद फाइल सेव कहाँ है, तो डी ड्राइव में, इसमें हाइपरलिंक भी दे सकते हैं आप, आगे से मैं हाइपरलिंक सिखाऊंगा। ये इस तरह की होगी, समझ गए? अब इस तरह की एंट्री से फायदा क्या होगा, अब इसके फायदे के बारे में जान लीजिए। इससे कई सारे फायदा है। पहला फायदा कि आपको फाइल ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, आप जल्दी कंट्रोल एफ, फिल्टर और बहुत सारे डेट, बहुत सारे एंगल्स इस फाइल को ढूंढ सकते हो आप। पहला फायदा। दूसरा फायदा कि आपको इसके बिहाफ पे अपनी प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट बनाने में फायदा होगा, क्योंकि आपके पास डेटा है कि दिन भर में आप क्या करते हैं। तीसरा फायदा कि अगर आप कहीं छुट्टी पे जाते हैं तो आपके आपके बिहाफ पे कोई काम करता है, कोई पर्सन आपके बिहाफ पे काम करता है, तो आप जो है, आपको बार बार फोन करके नहीं पूछेगा कि फलाना फाइल कहाँ है, वो फाइल कहाँ है, वो रिपोर्ट किस पे भेजनी है, क्या वगैरह वगैरह। तो आप इजिली फाइल पकड़ा देंगे, बोलेंगे भाई देख लो, वो उसको खोल के देख लेगा। अगला फायदा है कि अगर किसी दिन अगर आप ऑफिस लीव करते हैं तो आप अपना हैंड ओवर विद इन मिनट पे दे सकते हैं। जो भी आपका टास्क टेक ओवर करेगा उसको फाइलें समझाना बताना नहीं है, आप बता दोगे भाई देखो फाइल पे पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है, फाइल का नेम है, किसके लिए बनाया, किस बनाया है और कहाँ पे स्टोर है, आपको जो भी डेटा चाहिए यहाँ से इसकी डिटेल मिल जाए। एक एक डेटा समझाना और दिखाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है? हेलो जी, क्लियर है? तो ये चीजें आप कर सकते हो। अब बोलोगे कि सर मेरे पास तो बहुत सारे फाइल्स हैं, तो आप सारे फाइल्स के लिए ऐसा नहीं कि हम मैंने 4-5 दिन आप डेटा एंट्री करते चले जाए काम धाम छोड़ दें, तो सजेशन है कि कल से आप इसकी स्टार्टिंग कर दें और पिछले जो फाइल्स हैं उसकी डेली 5 या 10 फाइल की एंट्री कर दें आप। इससे एक और फायदा होगा कि आपके सिस्टम में जो अननेसेसरी फाइलें हैं वो डिलीट हो जाए, उसको डिलीट करके आप सिस्टम खाली कर लेंगे, तो ऐसा कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, वो है टेम्पलेट। हमने आपको लास्ट क्लास में टेम्पलेट को पढ़ने के लिए बोला था, हमने बोला था कि फाइल मेनू बार में न्यू जब करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट है जिसका इस्तेमाल कर सकते। सर एक क्वेश्चन है, ये जैसे हमने ओपन करके देखा था तो हमारे में इतना फॉर्मेट अवेलेबल नहीं था। बेसिकली ये फॉर्मेट सर्च किया गया, यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको कैटेगरीज है, जैसे बिजनेस पे क्लिक करेंगे आप तो बिजनेस कैटेगरी के सारे आ जाएंगे, ठीक है?
नहीं, हमने सर्च किया बट बिजनेस में जैसे इतना अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 4-5 अवेलेबल है। कौन सा वर्जन है आपका एक्सेल का? 14 आया था सर, जो आपने प्रोसेस बताया था उससे किया था तो 14 लिखा। हाँ तो अलग है, बिजनेस पे अलग आएगा 14, पर्सनल पे अलग आएगा, इस पे अलग आएगा। और दूसरा है कि वो इंटरनेट से डाउनलोड होता है ना, तो दूसरा अगला बार कुछ और भी मिलेगा। वो कहाँ से होता है सर? इंटरनेट से, माइक्रोसॉफ्ट की साइट से होता है, माइक्रोसॉफ्ट टेम्पलेट। आप गूगल पे सर्च करेंगे ना माइक्रोसॉफ्ट टेम्पलेट, तो माइक्रोसॉफ्ट की टेम्पलेट वाली साइट पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ जो दिख रहा है जितने सारे डाउनलोड किए हुए हैं इसलिए दिख रहा है। तो अब बात हम करते हैं कि आखिर क्या हम खुद का टेम्पलेट बना सकते हैं? अब खुद की टेम्पलेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है ये भी एक बार देख लीजिए। होता क्या है, आप डेली बेसिस में क्या करते हैं कि कल बाय रिपोर्ट को ओपन करते हैं, उसको सेव एज करते हैं नए रिपोर्ट के नेम से, फिर उसके डेटा को क्लीन करते हैं, फिर उसमें अपना नया डेटा डाल देते हैं। तो अगर आप जब चाहे कि आप जब भी इसको ओपन करें तो आपको ऑलरेडी क्लीन आए, बस आपको डेटा पेस्ट करना। जैसे एग्जांपल कि मुझे एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, छोटा सा रिपोर्ट बता रहा हूं, डेली कैश फ्लो, कैश फ्लो रिपोर्ट एक हमारा है क्योंकि हमें बॉस को देना पड़ता है। तो हमने इसको अंडरलाइन कर देता हूं, हाँ यहाँ पे हमारा डेट हो गया, थोड़ा सा फॉर्मेट बना रहा हूं। ठीक है, यहाँ लोकेशन हो गया। सर ये एक्सेल को प्लेन कैसे किया है शीट को? जैसे हम लोगों में लाइनिंग आती है, आपके में जैसे लाइनिंग नहीं आ रही है। पेज लेआउट के अंदर में ग्रिड लाइन होता है, इसमें व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो दिखेगा, अनक्लिक कीजिएगा तो नहीं दिखेगा। ओके ठीक है, सीरियल नंबर, नेम, यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट हो गया, यहाँ बैलेंस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको बॉर्डर लगा दिया और यहाँ पे मैंने टोटल कर दिया और ये आपका बैलेंस बैलेंस प्लस क्रेडिट माइनस माइक माइनस। तो इसमें अब क्या है, यहां पे मैं ये फॉर्मेट है, राइट। अब मुझे इस फॉर्मेट को ब्रावर जो है इसमें डेटा रहता है, इसमें डेटा डाला हुआ होता है। अब इसको ब्रावर को यहां से डिलीट कर, तो यहां पे मुझे ब्रावर इसका ही करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं ऐसा चाहता हूं कि मुझे हमेशा ब्लैंक मिले,
तो मैं इसको टेम्पलेट बना देता हूँ, इसको सेव एज करता हूँ। तो सेव एज में जो यहाँ नाम वगैरह देते हैं ना ऊपर में नाम, तो डायम में दे दिया कैश कैश, और यहाँ माइक्रो के अंदर में यहाँ पे टेम्पलेट है हमारा एक्सेल टेम्पलेट, और लोकेशन जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको एक्सेल टेम्पलेट में सेव कर दिया मैंने, अब इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूं। अब एक्सेल पे देखिए कैश नाम का फाइल है, इसका आइकन चेंज हो गया, देख रहे हैं, अब जैसे इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो कैश नहीं खुलेगा, कैश वन खुलेगा। जैसे किसी बुक एक्सेल नई वर्कबुक को खोलते हो तो बुक वन बुक टू खुलता है ना, ऐसे आपका कैश वन खुला। अब इस पे कुछ भी आप चेंजिंग करें और जैसे इसको सेव करेंगे वो सेव है जो है आपके ओरिजिनल हमेशा जो है। अब मान लीजिए इसको एक बार और ओपन करता हूं मैं बुक कैश को, देखिए यहां पे हमारा खुला और इसमें देखिए हमारा कोई चेंजिंग नहीं है, जबकि इस बार फाइल में चेंजिंग किया हुआ है, राइट। तो ये हमेशा आपको ब्लैंक डेटा लेके देगा। तो टेम्पलेट समझ में आ गया आप लोगों को, योगेंद्र जी राजेश रमेश जी हैं गीतांजलि जी, जी सर आ गया, कोई डाउट तो नहीं है टेम्पलेट में? नहीं सर। तो टेम्पलेट समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? जी नहीं है सर डाउट। चलिए आगे बढ़े जी। अब हम बात करते हैं फाइल मेनू बार में सेव का। जो किसी फाइल को भी आपने देखा आपने टेम्पलेट में सेव कर दिया ना, तो और किस किस फॉर्मेट में सेव करते हैं उसके बारे में एक बार उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है माइक्रो वर्कबुक। माइक्रो वर्कबुक क्या करता है ये चीज को देखिए, एक्सेल वर्कबुक आपका डॉट एक्सएलएस एक्स का फॉर्मेट होता है, डॉट एक्सएलएस एक्स का फॉर्मेट होता है, मतलब कि इसमें आपका हर तरह का फाइल सेव होता है बट मैक्रो फाइल सेव नहीं होती है। किसी भी तरह का मैक्रो फाइल आप इसमें
सेव नहीं कर सकते। अगर आप माइक्रो फाइल सेव करते हैं तो माइक्रो फाइल का मतलब क्या हुआ सर? जिसमें आप माइक्रो रिकॉर्ड किए हुए हो या कोडिंग किए हो ऐसे फाइल। ओके सर, ठीक है। तो माइक्रो फाइल वगैरह सेव नहीं होता है, मगर ये माइक्रो डिसेबल वर्कबुक इसको कहा जाता है। तो जनरली हमारा डिफॉल्ट जो है एक्सेल वर्कबुक होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे फाइल अगर किसी ने दिया या आपने बनाया जिसमें माइक्रो वीवीए कोडिंग वगैरह लगा हुआ है, ऐसे फाइल को एक्सेल वर्कबुक में आप सेव मत कीजिएगा, पहली चीज। दूसरा, माइक्रो अनेबल वर्कबुक, ये भी हर चीज को सेव करता है सर, ये माइक्रो फाइल को भी सेव करता है, लेकिन इसका एक्सटेंशन चेंज हो जाता है .xlsm हो जाता है। तो इस फाइल में आप उसी फाइल, इस फाइल में नॉर्मल डेटा भी सेव कर सकते हैं और एक्सेल के वीवीए कोडिंग की वाली डेटा भी सेव कर सकते हैं और विदाउट वीवीए कोडिंग वाली डेटा भी सेव कर सकते हैं, राइट? हेलो, क्लियर है सर? अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कि अगर कुछ डेटा कहीं पे अपलोड करने के लिए कर रहे हैं, जैसे एक्सक्यूएल, ओरेकल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में इस डेटा को अपलोड करने के लिए अगर डेटा सेव कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा क्या वो xlsm को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, नहीं तो फिर उसको आप वापस xlsx जो है आपका रखिएगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसको सपोर्ट नहीं करता है अपलोडिंग में, डेटा अपलोडिंग में, सो ना मिलेगा। दूसरा हमारे पास आता है एक्सेल बाइनरी वर्कबुक, एक्सेलस बी का फॉर्मेट होता है, मतलब कि आपके पास बहुत बड़ी फाइल है, उस बड़ी फाइल में डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, 400-500-1000 MB का डेटा है। अब ऐसे डेटा को अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो एक्सेल बाइनरी वर्कबुक पे सेव करते हैं, पर ध्यान रखिएगा ये फॉर्मेटिंग वगैरह सेव नहीं करता है। ऐसे आपका 97 से 3003 फॉर्मेट है, आपका XML फॉर्मेट है, जैसे वेबसाइट पे कोई डेटा अपलोड होती है, बहुत सारे वेबसाइट XML, जैसे कि ITR वगैरह फाइल करने के लिए XML कन्वर्ट किया जाता है, तो वो चीज हुआ। इस चीज पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक्सेल टेम्पलेट की बात कर लें, माइक्रो एक्सेल माइक्रो टेम्पलेट हो गया या 3003 का टेम्पलेट हो गया, वो यहाँ पर है। और इसमें एक आता है कॉमा डेम्पलेट, इसको CSV फॉर्मेट करते हैं। बहुत सारे वेबसाइट में कोई डेटा वगैरह, जैसे आप मान लीजिए जीमेल पे अपना कॉन्टेक्ट अगर अपलोड करना चाहते हैं तो आपको CSV फॉर्मेट में करना पड़ेगा। सर, इसका बाइनरी वाली फाइल में XLS का क्या रहेगा? आपने शॉर्ट वो बताया नहीं, फाइल नेम सेव डॉट XLSB। ओके सर, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में इसको हम सेव करते हैं। आगे चल के धीरे धीरे मैं बाकी और फॉर्मेट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन शुरुआती में इतना काफी है, राइट? तो अब यहाँ पे ऑथर नेम भी देख लीजिए, दिख रहा है CSV किस लिए यूज होता है? CSV फाइल होती है, जैसे कि CSV फाइल जो होती है, जैसे कि किसी वेबसाइट पे हम डेटा अपलोड करते हैं तो वो कॉमा सेपरेटेड मांगता है टेबल फॉर्म में। जैसे कि मान लीजिए कि आपका आप मोबाइल चेंज करते हैं, मान लीजिए कि आपको अपना अपने अपना मोबाइल चेंज किया हुआ है और उस मोबाइल में ईमेल आईडी भी आपने दूसरा रखा हुआ है, आपके पास एक ईमेल वन है, जीमेल आईडी की ईमेल वन है जिसपे आपके सारे कॉन्टेक्ट सेव थे, बट आपने मोबाइल दूसरा लिया जिसमें आपके ईमेल टू डला हुआ है, दूसरी ईमेल आपने लॉगिन की। अब आपको ईमेल वन का पूरा डेटा ईमेल टू पे चाहिए, या फिर ये समझिए ना कि खासकर मैं हमेशा करता हूँ व्हाट्सएप मार्केटिंग की बात कर रहा है, मेरे पास मान लीजिए कि 10,000 डेटा आया हुआ है, 10,000 कॉन्टेक्ट डेटा आया हुआ है, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अब उसको मुझे व्हाट्सएप, उनको सबको व्हाट्सएप करना है, तो उस नंबर को तो पहले मुझे अपने मोबाइल में सेव करना पड़ेगा, फिर व्हाट्सएप पे आएगा ना मैम। अब 10,000 मोबाइल को, नंबर्स को एक एक मोबाइल में सेव करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। उस केस में क्या करते हैं हम,
कि सीएसवी फॉर्मेट में डेटा को रखते हैं और अपने जीमेल के कॉन्टेक्ट में इसको अपलोड कर देते हैं, उस समय सीएसवी होता है। टैली से जब भी डेटा, मेरा एक सवाल है सर, सीएसवी तो डाल, हां बोलते बोल लो सर, मेरा एक सवाल है, जो फोन नंबर कॉन्टैक्ट वगैरह होता है ना, वो तो डॉट डीसीएफ फॉर्मेट में होता है, उसको एक कन्वर्टर यूज करके एक्सएमएल या कोई भी सीएसवी या जो पीडीएफ वो कुछ भी हो उसमें हम कर लेते हैं, तो जनरल वर्क के लिए हो गया नहीं सर? हाँ, के लिए तो दो फॉर्मेट होता है। देखिए, जब आपका कॉन्टेक्ट, सबसे डिपेंड करता है कि आपका कॉन्टेक्ट है क्या, जब आप जीमेल से ही मान लीजिए ना, जीमेल पे मैं दिखाई देता हूँ आपको, मैं अगर गूगल कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है सर, वो मुझे गूगल कॉन्टैक्ट हो गया है, बता एक मिनट, दो मिनट में बता देता हूँ। आउटलुक जो है अपना कॉन्टैक्ट किसी और में सेव करता है, जीमेल अपना किसी और में सेव करता है, तो इन दोनों के बीच में भी हो जाता है अपना, जितना बोलते हैं ट्रांसफर होता है, तो अलग अलग डाउनलोड करते समय, एक्सट्रैक्ट करते समय आपको वो फॉर्मेट देते हैं। तो अगर आपने CSV फॉर्मेट या एक्सेल सीट का फॉर्मेट लिया हुआ है तो ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, जितने भी कॉन्टेक्ट है इसके अंदर, ये देखिए पूछ रहा है आपको गूगल CSV फॉर्मेट में चाहिए या आपको आउटलुक CSV फॉर्मेट में चाहिए या आपको चाहिए वी कार्ड, ठीक है सर? तो अगर आपने गूगल सीएसपी या मिल लिया तो ठीक है, आउटलुक सीएसपी मिल लिया, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सेल में आने के लिए, क्योंकि फिर वो एक्सेल को सपोर्ट नहीं करेगा ना, नहीं नहीं करता, वो होता है राइट। इसका लिस्ट मैं दे दूंगा। तो टेम्पलेट्स आपने आज जो है तीन चीजें सीखा, पहली चीज सीखी आपने प्रॉपर्टी को मेंटेन करना कि किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी कैसे मेंटेन करेंगे, फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम फाइल लोकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके हम ऑफिशियल लाइफ में थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, और फिर हमने बताया आपको कि टेम्पलेट का इस्तेमाल क्या होता है और फाइल को किस किस फॉर्मेट में सेव करना चाहिए, राइट? तो हम फाइल मेनू बार स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसमें बहुत सी चीज सीखने को नहीं, जैसे न्यू तो पता ही आपको, ओपन नॉर्मल ओपन करता है, इन्फो इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फाइल, यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह आप यहाँ से ही मेंटेन कर सकते हैं, और यहाँ से अपना ऑथर नेम भी कर सकते हैं। अब ऑथर नेम से आईपी टेक्सल स्कूल दिख रहा है ना सर? अब बात यह है कि ये जो आईपी टेक्सल स्कूल है, ये डिपेंड करता है आपकी लॉगिंग पे, जैसे आपका जो लॉगिंग होता है ना, वो लॉगिन आईडी पे, यूजर आईडी जो होता है। अब क्या होता है कि ऑफिस में जनरली जो यूजर आईडी होता है वो एडमिन वन, यूजर वन, या आपकी इम्प्लॉय कोड वगैरह होता है, तो सेव करते समय आप यहाँ पर अपना ऑथर नेम चेंज कर सकते हैं, क्लिक कर, ठीक है? ये चेंज करने से फायदा क्या होता है कि ये फाइल किसी को आपने भेजा तो उस पर्सन को पता चलेगा कि हाँ, इस फाइल को किसने बनाया है। मान लो कुछ ऐसा रिपोर्ट आपने बनाया, बहुत अच्छा रिपोर्ट बनाया, और आपने अपने मैनेजर को बनाया, मैनेजर ने बॉस को दिया, बॉस को अच्छा लगा, उसने तारीफ की, तो तारीफ आपका मैनेजर नहीं लेगा, वो बॉस देख लेगा कि हाँ, इस फाइल को आपने बनाया, तो वो आपको मेल करके तारीफ करेगा, समझ गए? वरना ऐसा क्या होता है, अगर ऑथर नेम सही से मेंटेन ना करेंगे तो क्या होगा कि आप मेहनत करेंगे और वाहवाही आपके मैनेजर और जो भी आपके जो रिपोर्टिंग पर्सन है वो ले लेंगे, राइट?